जो तीन इश्यूज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि तीन दिन हो गए हैं, पंजाब की हुकूमत भी हो रही है, तहरीक इंसाफ की कोलिशन गवर्नमेंट है, क्यू लीग की, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हम FIR रजिस्टर नहीं करवा पाए। और FIR क्यों नहीं रजिस्टर करवा पाए, क्योंकि वो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर के लिए के ख़िलाफ़ तो ठीक है हम तैयार हैं, इंटीरियर मिनिस्टर के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन वो जो आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल फैसल है उसके लिए आप FIR कटवा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपनी कौम से और अपने लोगों से, अपनी सारे इंसाफ के निज़ाम से जो जानते हैं पाकिस्तान का आईन क्या है, मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसे लोग हैं जो कानून से ऊपर है कि वो यानी इस मुल्क का कानून को अप्लाई नहीं करता? क्या ये हमारे आईन के अंदर ये इजाज़त देता है? और ये एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि ये तीन लोग मुलव्वस हैं, और तफ्तीश में जब होगी तो पता चल जाएगा है या नहीं है, लेकिन ये तो मेरा राइट है, ये मेरा हक है कि मुझे पता था कौन इसमें मुलव्वस है, मैं चाहता हूँ उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, मैं उनके ऊपर FIR कटवाना चाहता हूँ। ये कैसे हो सकता है कि आगे से हमारी अपनी पुलिस, पंजाब पुलिस, पंजाब गवर्नमेंट के नीचे, वो कभी कोई वजह दे देते हैं, फिर सीधे सीधे कई कहते हैं जी अगर आपने करवाना तो हमें हटा के किसी और को इस अहदे पर बैठाए जो कि ये FIR काटे। तो मेरा सारा ये जो हकीकी आज़ादी का जो मार्च और ये जो 26 साल पहले इंसाफ की तहरीक चलाई थी, इसका मकसद क्या है? बॉटम लाइन एक है इसकी कि कभी माशरा ना आज़ाद होता है ना खुशहाल होता है जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, और कानून की हुक्मरानी का मतलब सारे लोग कानून के नीचे जो हर महजब माशरे में होते हैं। मुझे एक बड़ी हैरत हुई कि DGISPR ने स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट क्या देते हैं वो कि क्योंकि इमरान खान ने एक फौज के एक फर्द के ऊपर, एक ऑफिसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, सारी फौज बदनाम हो रही है। यानी ये मैंने, मुझे ज़रा हैरत है कि क्या इसके ऊपर DG साहब आपने कोई तवज्जो दिया, आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये कि मैं अगर एक जज के ऊपर कहूँ कि ये जज दो नंबर है, इसका मतलब सारी जुडिशरी दो नंबर है। अगर वो कोई कहे कि PTI के अंदर एक कोई करप्ट आदमी है तो मैं कहूँ तुमने सारी PTI को करप्ट कह दिया, ये कोई इसमें कोई लॉजिक है? आपके कोर्ट मार्शल क्यों होता है? क्योंकि कोई गलती करता है ऑफिसर तो कोर्ट मार्शल है। तो मैं जब ये कह रहा हूँ कि मुझे यकीन है कि इन तीनों लोगों ने इस पर पूरी साजिश के तहत ये किया, तो ये मेरा राइट है। और मैं कोई एक आम शहरी से इसलिए फर्क हूँ क्योंकि मैं एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हूँ, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ, और मैं अगर ये FIR के अंदर ये इसका नाम नहीं लिखवा सकता, मैं आप सवाल पूछता हूँ कि बाकी कौम का क्या गुजर करती होगी, आम आदमी इस मुल्क में क्या करता होगा? मुझे ये बताएं कि ये तो मैं जो सारी मेरी जो 26 साल पहले तहरीक इंसाफ फॉर्म की थी वो फिर साबित हो गया कि यहाँ तो सिर्फ ताकतवर जो है वो कानून से ऊपर और वो सारा कुछ है, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता यहाँ, और जब तक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता वो आज़ाद नहीं होता। तो वो कौम जिसमें इंसाफ नहीं वो गुलाम रहती, और गुलाम कौमों परवाज नहीं कर सकती। ये किसी, मैं जितनी भी दुनिया की डेमोक्रेसी में देखो, ये तासुर कोई सोच भी नहीं सकता इस तरह। सो पहला मेरा ये पॉइंट है। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि जब ये अभी शहबाज शरीफ ने बात की जुडिशल कमीशन की, तो मैं वेलकम करता हूं कि जुडिशल कमीशन बना, लेकिन मेरा पहला पॉइंट यह है कि जुडिशल कमीशन क्या करेगी? जब जो तीन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, इन तीन के नीचे सारी वो एजेंसी जिन्हें इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, अब हम कैसे एक
इम्पार्शल, एक साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं जब उनके सरबरा वो बैठे हुए जिनके नीचे लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना है, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने ये कहा था कि तीन रिजाइन करें ताकि इन्वेस्टिगेशन सही हो सके। हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन मुझे एक इस मुल्क के अंदर एक साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन इसलिए कि मैं पहले भी, ये पूरा इसका एक पैटर्न है, ये नहीं कि मैंने एकदम उठ कह दिया कि ये जी ये कि फलाना इसमें इन्वॉल्व है। इसका एक पैटर्न है, पहले एक वीडियो निकलती है जिसमें मुझे ये बताया जाता है कि मैं कोई मजहब की तोहीन कर रहा हूं। वो किधर से निकलती है, वो इस इन्वेस्टिगेशन में पता चलना चाहिए। वो कौन निकालता है, वो फिर उसको कौन उठाता है, एक वो जर्नलिस्ट उठाता है जिसकी अफिलिएशन एक पार्टी से है, ये इन्वेस्टिगेशन में आएगी। उसके बाद कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता है, मरियम सफदर, मरियम वो औरंगजेब और जावेद लतीफ से, और वो मुझे कहते हैं कि मैंने मजहब की तोहीन की है, और वो वीडियो दिखाते हैं। उसके ऊपर इनके ऊपर हम FIR कटवाते हैं, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इन्होंने अब इसको इस्तेमाल करके वही सलमान तासीर टाइप कत्ल करवाना है मेरा। इन दोनों के ऊपर हम फिर FIR, इन तीनों के ऊपर FIR बड़ी मुश्किलों से करती है। उसके बाद मैं पब्लिक जाके जसों में और इंटरव्यूज में बताता हूं कि इनकी साजिश क्या है, इन्होंने किस तरह इस्तेमाल करना है ये एक दीनी इंतहा पसंद, उसने जुनून में आके मार दिया क्योंकि मैंने मजहब की तोहीन की। कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और फिर क्या होता है, जब मेरे ऊपर ये वारदात होती है, आप सिर्फ उसके बाद देख लें कि उसके बाद होता क्या है, कौन से लोग जो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। अभी FIR ही नहीं कटी, अभी शुरू ही हुई है बात, अभी और एकदम स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं कि जी इमरान ने किसी मजहब की तोहीन की है। मैं मेरे सामने ये सारे हैं, ये जरा देखें, वो लोग जो कि हमारे यानी दूसरी पार्टी से भी अफिलिएशन हैं, वो एकदम उनकी ट्वीट्स आनी शुरू हो जाती हैं, यानी अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और वो सारे यही कहते हैं कि एक इंतहा पसंद ने किया है। एक 6:01 पे एक ट्वीट आती है, वो जो जिसने सबसे पहले मेरे ऊपर ये सारी कैंपेन शुरू करता है मजहब की तोहीन वकार से थी, वो 6:02 पे उसकी मुर्तजा सलंगी की 2 मिनट पे ट्वीट आती है, हामिद मीर की 6:03 पे आती है, जियो न्यूज़ की 6:04 पे आती है, समा 6:00 उसकी भी 6:04। उसके बाद ये एक होता कैसे है, वो लोग जो एकदम रिएक्ट करते हैं, जो कि एक स्क्रिप्ट के ऊपर चल रहे हैं, नहीं उसके अलावा क्या होता है, वो कैसे होता है कि गवर्नमेंट हमारी, पुलिस हमारी, लेकिन उसको उसका इंटरव्यू करवा के और वो लीक किया जाता है, वो जो बंदूक चलाने वाला है एकदम उसका इंटरव्यू लीक किया जाता है। कौन पुलिस, हम पुलिस से पूछते हैं, वो कहते हैं जी हम क्या करें, हमें पीछे से प्रेशर था। IG वो IG से पूछा जी आप बताइए कैसे ये लीक हुई, वो कहते हैं जी हैक हो गई। एक के बाद दूसरा झूठ बोला जाता है। कौन लोग ये इंटरेस्टेड थे एकदम इसको बंद करवाने, वो किन, जैसी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पहले तो पता चलेगा कि डब किसने किया और फिर किसने कवर अप करने की कोशिश की। तो मेरी, जब आप ये हमें कहते हैं कि जुडिशियल कमीशन, मैं कहता हूँ इससे बेहतर चीज़ ही नहीं, लेकिन जुडिशियल कमीशन जो सबसे पहले काम उनको करना चाहिए कि जो लोग एक्यूज्ड हैं इसके अंदर वो कैसे उन पोजीशंस पे बैठेंगे जिधर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी। नंबर टू, मैं ये चाहता हूँ कि जुडिशियल कमीशन इंक्वायर करे अरशद शरीफ के ऊपर, क्योंकि हमें पता है अरशद शरीफ को किससे खतरा था, अरशद शरीफ की वालदा को पता है कि किससे अरशद शरीफ को खतरा है, उसके और सहाफियों को पता है क्यों वो मुल्क मजबूर हुआ छोड़ने पे,
क्यों वो दुबई से आगे जाने पर मजबूर हुआ, इसका इसके उसने लोगों को बताई हुई हैं चीजें कि कौन लोग मुलव्वस थे। इसके ऊपर भी जुडिशियल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कमीशन बनाई जाए, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन। तीसरी जो साइबर है, अब ये कंट्रोवर्सी चलती जा रही है, आके DISPR ने कहा जी यहां तो कोई साइफर का तो ड्रामा था। अगर ड्रामा था तो साइफर की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा रहे? हम तो गवर्नमेंट में नहीं थे, हमने तो ऑर्डर कर दी थी कमीशन फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन करे, हमने तो स्पीकर ने भिजवा दी थी चीफ जस्टिस के पास इन्वेस्टिगेट करें। तो अब सवाल यह है कि क्यों नहीं किसी ने इन्वेस्टिगेशन करवाई, क्यों डरे हुए इन्वेस्टिगेशन से? क्योंकि आप जो सारी बात बार बार कहते हैं कि जी हर किस्म की आती है कि जी ये तो आते रहते हैं ऐसे साइफर, मैं एक मुल्क दुनिया में नहीं जानता जिधर इस तरह के कोई साइफर आए। जी एम्बेसडर को प्राइम मिनिस्टर को हटा दो, तो क्यों नहीं इसके ऊपर आगे बात की? जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कह रही है कि मुदाखलत हुई है और डिमार्च कर रही है, तो ISPR क्यों कह रहा है कि जी ये तो कोई ड्रामा, ये कोई ड्रामा हुआ है? तो चीफ जस्टिस साहब ये बड़ा सीरियस चीज है, इसके ऊपर आपके पास साइफर आया हुआ है, ये मुल्क के अंदर हो सकता है कि ये ना साजिश हो जो ये कहते हैं, लेकिन जब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा कि मुदाखलत थी या साजिश थी? और चौथी जो मैं समझता हूं कि इस मुल्क की तारीख की सबसे शर्मनाक चीज हुई है, इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब और ये जुडिशियल कमीशन बैठ के जरूर इंक्वायरी करें। पहले आजम खान स्वाति को जिस तरह उन्होंने पोते और पोतियों के सामने मारा, उसने हर फोरम पे ये बोला कि उसको पहले आके पकड़ के मारा सुबह के 3 बजे, फिर उसको एजेंसीज के और उसने नाम लिया है इसका, ये डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल, इसका नाम लिया है कि इसने और उसके बाद ISI को हैंडल किया जो इसके नीचे थी, और उसको नंगा करके मारा, और नंगा करके मार के उसको कह रहे थे कि ये बताओ ये इमरान खान से भी ये होगा, और जब उसको तकलीफ हुई थी वो हंस रहे थे। एक ये शर्मनाक है कि पाकिस्तान के सेनेटर को एक ही उसने तनकीद कर दी सारी दुनिया में, जो पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक की तरह एक कंपेयर होता है कि क्या किस तरह का मुल्क है कि एक सेनेटर को एक तनकीद के ऊपर किया, बाहर तो कोई नहीं अंडरस्टैंड करता है। लेकिन जो उससे भी शर्मनाक चीज़ है जो सारी पाकिस्तानी कौम हिल गई है, वो है जो इन्होंने वीडियो भेजी है आजम स्वाति की बीवी को। मैं समझता हूं कि जस्टिस साहब इसके ऊपर पूरी तहकीकात करें, वही लोग जो के वो यूजुअल सस्पेक्ट्स जो कवर अप करने के लिए, अब जो ये मेरा भी ये असैसिनेशन अटेम्प्ट कवर अप कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी वो कोई जाली वीडियो है, जी वो कोई फेक वीडियो है। आजम स्वाति के पास ओरिजिनल वो आई हुई है जिधर से वो भेजी गई है, जिस नंबर से भेजी गई है उनके पास वो पूरी वो वीडियो है जिसके अंदर वो दिखाया जा रहा है, और वो फेक नहीं है। और आजम स्वाति ने मुझे रात कॉल करके कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो वहां बैठ के एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, वो डिमांड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उनको जस्टिस दे। सुप्रीम कोर्ट की लॉजेस जुडिशियल लॉजेस थी कोयटा के अंदर जिधर ये वीडियो बनाई गई है, ये सारी कौम आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। आजम स्वाति ने फैसला किया कि वो वहां बाहर धरना देगा, हमारे सारे इंडिया के सेनेटर्स उसके साथ बैठेंगे, वुकला के ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को दावत दी हुई है वो आप आके वहां बैठे और डिमांड करें कि ये मुल्क हमारा यानी किधर गिरता जा रहा है, कि इस भाग पहुंच गए हैं यहाँ लोग ब्लैकमेल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये इस तरह है कि जिस तरह कोई लाइन से हटेगा तो उसको ब्लैकमेल करने के लिए कोई ना कोई चीज सामने कर देगी, इस इतिहास पे भी कोई नहीं सोचता था वो गिर जाएंगे। कि मियां बीवी की वीडियो बना के इन्होंने उसकी बीवी को भेज दी। मैं समझता हूं कि ये एक हर मुल्क की तारीख में एक डिफाइनिंग मोमेंट आ जाता है, ये वो मोमेंट आ गया पाकिस्तान में।
मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आज सारा जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, उसकी अब उसकी पूरी एक क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। अगर उसने अपना अब इज्जत करनी है पाकिस्तान में, तो उसको अब खड़ा होना पड़ेगा कमज़ोर के साथ, रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक यहाँ जो मर्जी कर लें कि एक कोई ऑफिसर बैठा हुआ आईएसआई का, वो इस तरह की नीच हरकतें करे और उसको हाथ भी ना कोई, उसको कहे तो वो आईएसपी आ गया कि जी फौज की तौहीन कर दी है, उसको कुछ और कुछ कहे तो जी मुल्क की सिक्योरिटी को कुछ हो गया, आपके ऊपर जी सेडिशन चार्ज लग जाएगा, इमरान खान के ऊपर गद्दारी लग जाएगी, जो मर्जी लगाना लगाएं। मैं ये डिमांड करता हूं कि इस कौम को जस्टिस चाहिए, हम गुलाम नहीं हैं, हमें एक आजाद कौम बनाया गया था 1947 में, हमारे लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आजाद करवाया था अंग्रेज की गुलामी से, तब अंग्रेज ऊपर होता था कानून के, हम गुलाम होते थे। अब पाकिस्तान तो आजाद मुल्क बना हुआ है, हमारा आईन हमें आजादी देता है, क्यों नहीं हमारी अदालतें हमारी राइट्स को, हमारी आजादी को, हमारी डिग्निटी को क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रही? और ये अगर आजम स्वाति से जो हुए, याद रखें सेनेटर है पाकिस्तान का, एक कामयाब बिजनेसमैन जो कामयाब बाहर पैसे कमा के पाकिस्तान आया हुआ है, उससे ये हो रहा है। एक प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का एफआईआर नहीं रजिस्टर करवा सकता, क्योंकि जनाब वहां वो ताकतवर हलके हैं जो उनको कोई मुल्क का कानून ही नहीं हाथ लगा सकता, वो कोई गलती नहीं कर सकते। अगर फौज के अंदर इस तरह के लोग हैं और उनके ऊपर आप एक्शन लेते हैं, ये फौज की बेहतरी है। अगर आप अपने इदारों के अंदर कोई भी करप्ट या जराइम पेशा लोगों को निकालते हैं, आपके इदारे मजबूत होते हैं। अकाउंटेबिलिटी से सारी दुनिया जानती है कि जमहूरियत की कामयाबी है, इसलिए है कि जमहूरियत में अकाउंटेबिलिटी है। जो जो सारी बरतानिया की जमहूरियत जो हमने अपनाई हुई है, उसकी बुनियाद थी मैग्ना कार्टा में। मैग्ना कार्टा क्या थी कि ताकतवर को बादशाह के ऊपर भी कानून लागू करो, नहीं तो वो कानून के ऊपर था। तो वो सारी स्ट्रगल जो जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज की होती है, वो रूल ऑफ लॉ की होती है कि कानून के सामने सब एक बराबर। यहाँ ब्लेटेंट वायलेशंस हो रही हैं कि यहाँ एक ऐसा कोई क्रिएट कर दिया खौफ का कि लोगों के जहनों में डाल दिया है कि जी ये लोग, ये तो बस इनको तो कुछ कहें ना, जो मर्जी करें कर सकते हैं। पाकिस्तानी फौज मजबूत होगी जब उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होगी। पाकिस्तान की फौज कमजोर नहीं होगी, वो कमजोर इस तरह हो रही है जब इस तरह का आदमी हरकतें कर रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये जुडिशियल कमीशन बने और ये चीजें जो मैंने अभी चार पॉइंट्स कहे टेक अप करें। और मेरा लास्ट पॉइंट, हमने फैसला किया है कि हमारी जो मार्च है अब वो शुरू होगी। मंगल से वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी और हमारे 11 और लोगों को गोलियां लगी थी और जिधर मौजम शहीद हुआ था, उधर से ही हमारी मार्च शुरू होगी। मैं हर रोज मार्च से खिताब करूंगा यहां से, और हमारी मार्च अगले 10 से 14 दिन तक, इसके बीच में स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ये पहुंचेगी पिंडी। सारे पाकिस्तान से वो लोग उसी टाइम पे निकलेंगे कि एक टाइम पे जब ये प्लान करेंगे 10 और 14 दिन के बीच में पिंडी पहुंचना। मैं पिंडी खुद हूँगा और उधर से सारे पाकिस्तान की जो लोग जमा होंगे उस मार्च को फिर मैं लीड करूँगा। और मैं ये अपनी सारी कौम को आज कहना चाहता हूँ कि आप सारों ने एक चीज़ समझ लेनी है कि अगर हम ये खौफ के अंदर आके, और हमने ये जो मैं बार बार कहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के, ये हमें आज़ाद करता है, ये हमारा कलमा हमें आज़ाद करता है। आप जिस वक्त किसी से डर के अपनी आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अपने ज़मीर का सौदा करेंगे, मेरी नज़र में वो शर्क है। ये सारी कौम के लिए आप, हमें अब इस वक्त
सबको ये अपना खौफ हटाना चाहिए और बताना चाहिए कि हम इंसान हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं। हम ये कौम पाकिस्तान एक बड़ी ख्वाब का नाम है और हम ये इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान में और जिसने हम मुल्क का सारा पोटेंशियल ख़त्म कर दिया है कि हम आज भिखारियों की तरह दुनिया में फिर रहे हैं, उसकी ये वजह नहीं है कि यहाँ वसाइल नहीं है, उसकी वजह यह है कि यहाँ इंसाफ ही नहीं है, उसकी वजह यह है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। और इसलिए ये वक्त है हकीकी आज़ादी लेने के लिए। आप मेरे साथ सब आए, सारे पहुंचे। जब मैं इंशाल्लाह पिंडी से शुरू करूंगा, अपनी पार्टी को ज्वाइन करूंगा अपनी, जब ये सब हमारी जीटी रोड से शाह महमूद कैशी लेके आ रहे होंगे और फिर बाकी हमारे लीडर्स परवेज खटक केपी से और सारे हमारे लीडर्स एक पूरा इंसानों का समुंदर लेके आ रहे होंगे पिंडी, और पिंडी से इंशाल्लाह मैं लीड करूंगा और उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो मैं आप अपनी कौम को आखिर में कहना चाहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। उसका फैसला होता है जब वो ऊपर लेके जाना होता है उसने, कोई आपको उससे पहले ना ऊपर ले जा सकता है। उसका जब फैसला हो जाता है हम मिनट एक मिनट आगे ना पीछे होता है। ये जब आपका ईमान हो जाता है आप आज़ाद हो जाते हैं। इसलिए ये खौफ को ख़त्म करें आप कि डरा के धमका के हम ये कर देंगे वो कर देंगे और सारी कौम को इस तरह भेड़ बकरियों की तरह रखना, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे लिए ग़ुलामी की ज़िंदगी से बेहतर मौत है और मैं ये चाहता हूँ कि जब हम सब ये स्पिरिट आ जाए फिर एक कौम वो बनेगी जो आप बन सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई एक मेरी दरख्वास्त है,